माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आपका चैप्टर चल रहा है सेकंड ऑन वायलेंस। हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे हिंसा के बारे में कि व्हाट इज वायलेंस। अब हर किसी की अलग अलग ओपिनियन होती है, लेकिन फाइनल ओपिनियन जो राइटर है इसका, उसकी हमें समझनी पड़ेगी कि वास्तव में वो वायलेंस किसको मान रहा है, हिंसा को वो किस रूप में हमें बताना चाहता है कि वास्तव में हिंसा क्या है, और हिंसा के जो इम्पैक्ट्स हैं हमारे मन पर, हमारी पर्सनैलिटी पर किस तरीके से आते हैं, कितना हम परेशान हो जाते हैं, और इस सब चीज़ों को कौन दूर कर सकता है, ये हमें अब आगे आपको जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं उसमें आपको समझने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है आप थोड़ा सा अलग तरीके से समझें और ये कुछ सोचने की कोशिश करें कि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद हमें क्या बदलाव अपने अंदर लाना है, वास्तव में वायलेंस कितना नुकसान हमें पहुँचा सकती है मेंटली एज वेल एज फिजिकली। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने आप स्टार्टिंग जब हुई थी इसमें आया था टू टाइप्स ऑफ वायलेंस, ठीक है ना। तो आपको पूरा एक एक पैराग्राफ ढंग से पढ़ के फिर आपको ये देखना है, थोड़ा सा मेडिटेट करना है, थोड़ा सा सोचना है मन में कि यदि हम वायलेंस पढ़ रहे हैं तो हमें राइटर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, हमारे जो टीचर हैं वो क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या आपको इंटरनली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ऐसी चीज़ है जो वायलेंस के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इन पैराग्राफ्स के अंदर छिपी हुई है, यानी कि हिडन मीनिंग क्या है, हिडन मीनिंग इसका क्या है, वो आप समझने की कोशिश करें। पुराने जो पैराग्राफ्स हैं उनमें आपने पूरा आई होप आपने रीडिंग लगा ली होगी, और कोई भी यदि आपको दिक्कत है, कोई भी लाइन है, कोई भी आप पर्सनली भी कोई आपके मन में कोई क्वेरी आ रही है तो आप उसको मुझसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स इस तरीके से पढ़ें, नॉलेज के लिए पढ़ें तो अच्छा लगता है कि वो किस तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या वो जानना चाहते हैं, क्या उनके अंदर ईगरनेस है चीज़ों को जानने की। तो देखिए सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो माइंड में क्लिक कर जाती हैं कि वास्तव में हमने ऑन वायलेंस पढ़ा था तो हमें किस तरीके का अपनी पर्सनैलिटी में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में किस तरीके का बदलाव लाना है, किस तरीके से हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो आगे मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, आगे जो इसका फाइनल हम मोड में चल रहे हैं, तो आप देखना ज़रा ध्यान से कि मैं क्या आपको बोलूँगा अपने मुँह से, क्या मेरे शब्द होंगे उनको ज़रा ध्यान से समझना आप। तो देखना ज़रा कि यू आर स्टिल यंग, अभी आप छोटे हैं, युवा हैं, बट एज यू ग्रो ओल्डर, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे यू विल रियलाइज, तो आप महसूस करेंगे कि हाउ इनवर्डली मैन गोस थ्रू हेल, कि आदमी कितना अंदर से नरक से गुजरता है, यानी कि जब अंदर से घृणा होगी, नफरत होगी, ईर्ष्या होगी तो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि देखिए आदमी के ऊपर अभी एक आगे आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कि इंसान ऊपर से यदि उसके ऊपर कोई एसिड फेंक दिया जाए, आदमी के ऊपर कोई एसिड डाल दिया जाए तो इंसान एसिड से केवल ऊपर से जलता है, लेकिन जब इंसान के अंदर नफरत आ जाती है, इंसान के अंदर घृणा और ईर्ष्या पैदा हो जाती है तो आदमी अंदर से जल जाता है। समझना मेरी बात को, एसिड इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितनी नुकसान इंसान के अंदर की जो नफरत है, इंसान के अंदर की जो ईर्ष्या है, जो विरोधाभास है, ये सब चीज़ें इंसान को अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, अंदर से जला देती हैं। बहुत अच्छी लाइन है, एसिड ऊपर से जलाता है, नफरत और घृणा क्रोध इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है पूरी तरीके से। तो एसिड सही है, एसिड कहीं जाके ठीक है कि वो उसने ऊपर से जलाया है इंसान को, लेकिन अंदर से जब इंसान जल रहा है इसका मतलब एसिड से भी ज़्यादा खतरनाक ये सब चीज़ें हैं जो इसके अंदर आई हुई हैं। तो ये इस तरीके से आप समझें इन सब चीज़ों को, तो अपने आप में बदलाव लाएँ, कूल एंड काम, रिलैक्स बिल्कुल, इस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी में जो बदलाव है वो करने की कोशिश करें। तो मैं आगे बता रहा हूँ, इसीलिए ये लाइन सभी के लिए, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये लाइन है जो इन फ्यूचर इस तरीके के आगे के जिस तरीके का पूरा माहौल चल रहा है, जिस तरीके की लोगों की सोच बनी हुई है, हो सकता है किस तरीके के माहौल में, किस तरीके के समाज में आपको जाना पड़ जाए, सामना करना पड़ जाए, तो आप किस तरीके से बचेंगे, किस तरीके से बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके लिए ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सुनना ज़रा ध्यान से कि यू आर स्टिल यंग, आप अभी युवा हैं, आप अभी युवाएं छोटे हैं, बट एज यू ग्रो ओल्डर, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे यू विल रियलाइज, तो आप महसूस करेंगे हाउ इनवर्डली मैन, कि इंसान कितना अंदर से गोस्त्रो गुजरता है, किससे, हेल,
किससे, नरक से गुजरता है। बड़े बड़े जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान अंदर से नरक से कैसे गुजरता है, वो आपको रियलाइज होगा। गोस थ्रो गुजरता है ग्रेट मिजरी, कितनी दयनीय अवस्था से इंसान अंदर से गुजरता है ये आपको रियलाइज होगा। बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल, क्योंकि वो लगातार लड़ता है, लगातार लड़ाई करता है वो विद हिमसेल्फ, किससे, अपने आप से लड़ता रहता है इंसान, अपने आप से जूझता रहता है। जो देखिए कई बार मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा, सर डिप्रेशन की क्या डेफिनेशन होती है, बस शॉर्ट में एक लाइन में मैंने हमेशा जवाब दिया सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो नहीं है उसके बारे में सोचना डिप्रेशन कहलाता है, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचना डिप्रेशन कहलाता है। एग्ज़ाम आपने दिए नहीं, प्लान पहले से करने लग गए कि नंबर कम नहीं रह जाए, फेल नहीं हो जाऊँ, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ये डिप्रेशन, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस डिप्रेशन की ओर एक कदम आगे आप बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में चलें, वर्तमान में जिए, अपना बेस्ट करने की कोशिश करें और जो आपका रिजल्ट है उसको आप अपनी मेहनत पर छोड़ दें, ईश्वर पर छोड़ें, ईश्वर में जरूर ट्रस्ट रखते हुए आप मेहनत करें। ये मैं हमेशा आपसे भी कह रहा हूँ, मैं सबसे कहता हूँ, ईश्वर में ट्रस्ट जरूर रखेंगे आप तो आपको सफलता, ईश्वर में ट्रस्ट और गुरुजनों के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति सम्मान, ये दो चीज़ें आप लाइफ में लेकर चलिए, सफलता कभी भी कहीं भी आपको मिलने से नहीं रुकेगी, हमेशा आपको मिलती चली जाएगी और आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहेंगे उस मुकाम को आप हासिल कर लेंगे। तो मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूं, ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम बोलूँगा, ज़रूर बताता चलूँगा जैसे जैसे आपकी बुक आगे चलेगी। बहुत चीज़ें मेरे पास हैं, बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, तो आप समझते चलना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि गोस थ्रू ग्रेट मिजरी, इंसान गुजरता है किससे, ग्रेट मिजरी, बहुत ज़्यादा जो दीन अवस्था है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर अवस्था है उससे गुजरता है। बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल, क्यों गुजरता है, मजबूरी है उसी, नरक से क्यों गुजरता है, क्योंकि वो लगातार अपने आप से क्या करता रहता है, बैटल करता है, लगातार अपने आप से ही लड़ाई करता रहता है। विद इज वाइफ, अपनी पत्नी से झगड़ता है, विद इज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से झगड़ता है, विद इज नेबर्स, पड़ोसियों से झगड़ता है, विद इज गॉड्स, अपने देवताओं से लड़ता है, अपने देवताओं से लड़ता है। बहुत मतलब बढ़िया, मैं आपको बताना चाहूँगा, इंसान अपनी तरफ नहीं देखता, इंसान अपनी तरफ नहीं देखता, अपने द्वारा किए गए कुछ गलत कार्यों से जब उसको परिणाम उसका सामने आता है तो वो दोष दूसरों पर मर देता है, दोष दूसरों पर मर देता है। स्टूडेंट्स के लिए हमेशा मैं एक लाइन बोलता हूँ क्लास के अंदर, मैं आपके लिए भी लाइन बोलूँगा कि लोग जब डूबते हैं, लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मिलती नहीं सफलता तो किस्मत को दोष देते हैं, और खुद तो संभल के चलते नहीं और जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। तो बस यही चीज़ इसके सामने आई है यहाँ पर कि दोष किसको दे रहा है, इंसान खुद ही जूझ रहा है यार, खुद ही लड़ रहे हो अपने आप से। देखिए जरा, विद इज वाइफ, पत्नी से लड़ रहा है, बच्चों से लड़ रहा है, पड़ोसियों से लड़ रहा है, विद इज गॉड्स, यहाँ तक ये देवताओं से भी लड़ रहा है। देवताओं से क्यों लड़ रहा है, साहब मुझे ये नहीं मिला, मैंने ये पूजा की, मैंने ये किया, वो किया, पत्नी से बात बात पर झगड़ रहा है, बच्चों को जबरदस्ती वो कर रहा है। कहीं यदि आपके अंदर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसको वहीं छोड़कर आओ बाहर, अंदर घर में लेकर उस चीज़ को ना आए और ना अपने परिवार को डिस्टर्ब करें। तो देखें जरा ध्यान से, विद इज गॉड्स ही इज इन सॉरो, वो परेशानी में रहता है, दुख में रहता है, एंड कन्फ्यूजन, सॉरो एंड कन्फ्यूजन, वो कष्ट और परेशानी में रहता है, एंड देयर इज नो लव, ना तो उसके अंदर प्यार रहता है, नो काइंडलीनेस, ना उसके अंदर दयालुता रहती है, नो जेनरसिटी, ना उसके अंदर उदारता रहती है, एंड नो चैरिटी, और ना ही उसके अंदर दानशीलता रहती है, दान देने की प्रवृत्ति रहती है। ये सब चीज़ें खत्म होती चली जाती हैं जैसे जैसे इंसान के अंदर, जैसे जैसे इंसान के अंदर हल्की सी भी हिंसा की प्रवृत्ति आएगी या हिंसक प्रवृत्ति होगी तो ये सब चीज़ें उसको इनडायरेक्टली उसके अंदर से खत्म होती हुई चली जाती हैं। नो चैरिटी एंड अ पर्सन में हैव अ PhD, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, देखना जरा, एंड अ पर्सन मे हैव अ PhD आफ्टर हिज नेम, हो सकता है किसी व्यक्ति के पीछे ठप्पा लग गया हो, उसके एक डिग्री मिल गई हो उसको, किसकी, PhD की, एक इंसान को डिग्री मिल सकती है, किसकी, PhD की डिग्री मिल सकती है, आफ्टर हिज नेम, और नेम प्लेट पर लगवा दिया उसने नाम और PhD, डिग्री लग गई उसके, लग गई उसके नाम के आगे डिग्री, कि PhD है वो, और ही मे बिकम अ बिजनेसमैन, हो सकता है वो व्यापारी हो गया हो, बड़ा व्यापारी बन गया हो, बिजनेसमैन बन गया हो। इसके अलावा विद हाउसेज एंड कार्स, बहुत सारे मकानों, कार वगैरह बहुत सारी हों, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ऐसा, ठीक है, PhD मिल गई हो, बिजनेसमैन हो गया हो, बहुत पैसा आ गया हो, उसके बाद बहुत सारे घर आ गए, घर बना लिए हों उसने, कार वगैरह ले ली हों, बट ही हैज़ नो लव, अंडरलाइन कर लें, जीवन में अपना लें इस लाइन को,
बट ही हैज़ नो लव, यदि उसके अंदर प्यार नहीं है, यदि उसके अंदर प्यार नहीं है, कितना क्रिटिसाइज किया है राइटर ने, ध्यान से समझना, इफ़ ही हैज़ नो लव, यदि उसके अंदर प्यार नहीं है, नो अफेक्शन, कोई किसी तरीके की दयालुता नहीं है, नो काइंडलीनेस, कोई प्यार नहीं है, नो कंसीडरेशन, यदि उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल, तो ऐसा इंसान तो जानवरों से भी गया गुजरा है। कितनी बढ़िया लाइन राइटर ने लिखी है कि यदि इंसान के अंदर PhD लग जाए, बिजनेस मैन हो जाए, घर खरीद ले, बहुत सारे कार खरीद ले, लेकिन उसके अंदर प्यार नहीं है, इफ़ ही हैज़ नो लव, यदि उसके अंदर प्यार नहीं है, तो देखिए नो अफेक्शन, किसी के प्रति कोई लगाव नहीं है, काइंडलीनेस, कोई दयालुता नहीं है, नो कंसिडरेशन, यदि उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, तो क्या होगा, ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल, तो आप ये मान लीजिए वो किसी जानवर से भी बदतर है, वो जानवर से भी गया गुजरा इंसान है ऐसा, बिकॉज ही कंट्रीब्यूट्स, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति योगदान देता है, ऐसा व्यक्ति योगदान देता है टू अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में को योगदान देता है, किसके लिए, दैट इज डिस्ट्रक्टिव, जो दुनिया, जो संसार कैसा होता है, जो संसार विनाशकारी होता है, यदि ऐसा इंसान यदि समाज में है, यदि वो सहयोग दे रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो कैसी दुनिया बनेगी, वो कैसी दुनिया बनेगी, द वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव, वो दुनिया कैसी होगी, वो दुनिया विनाशकारी होगी, वो दुनिया विनाशकारी होगी। इसलिए कभी भी पैसे वाले आप हो जाएं, कभी भी आप बहुत पढ़े लिखे हो जाएं, तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सुख में और दुख में, जैसे कहते हैं ना, ये जो इंसान सुख और दुख में एक साथ रहना सीख लेता है, वो ईश्वर के सबसे नज़दीक होता है, वो ईश्वर को सबसे ज़्यादा मानने वाला होता है। यदि आप बहुत पैसे वाले हो जाएं, आप बहुत पढ़े लिख जाएं, तो कृपया करके अपने पैसे का घमंड, अपनी डिग्री का घमंड कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, किसी पर थोपे नहीं, किसी को उससे परेशान ना करें, ये आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। चाहे आप कुछ भी बन जाएं लाइफ में, लेकिन यदि आप थोड़ा सा पढ़ें साइड में, तो APJ अब्दुल कलाम जी को ज़रूर पढ़ना, कि जब वो राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने सबसे पहले जब उनको शपथ लेनी थी राष्ट्रपति पद की, तो उन्होंने यही कहा था सबसे, कि मेरे टीचर्स ने, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया पढ़ाकर, मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, सबको यहाँ पर बुलाइए, तब मैं शपथ लूँगा राष्ट्रपति। बहुत से टीचर्स चले गए, ख़त्म हो गए, बोले वो नहीं हो, परिवार वालों को लेकर आओ यहाँ पर, तब मैं उनके सामने राष्ट्रपति पद की शपथ लूँगा। सोचिए आप जरा, ये होता है, ये होती है जेनरसिटी, ये होती है उदारता, ये होता है एक ट्रस्ट, ये होता है सम्मान, रिस्पेक्ट होता है। ये आप देखें जरा, इन चीज़ों को समझने के बाद इन चीज़ों पर जरूर गौर करें आप। पैसा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे ही बने रहें जैसे पहले थे, ठीक है। कुछ भी हो, मकान वगैरह हो, किसी को मत दिखाओ मेरे पास क्या है क्या नहीं है, आप उससे ऐसे बात करो जैसे मैं इंसान हूँ, तो ये भी इंसान है, क्योंकि इससे मैं पहले ही आ चुका है कि गरीब अमीर बनना चाहता है और अमीर गरीब को गरीब बनाए रखना चाहता है, इस दोनों की होड़ में इतना गैप पैदा हो जाता है कि दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है, गरीब इंसान अमीर से हमेशा नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अमीर व्यक्ति उसको हमेशा पैसे के बल पर दबा कर रखना चाहता है, उसको टॉर्चर करता है, उसको परेशान करता है। गरीबी में पैदा होना कोई कलंक थोड़ी है, गरीबी में यदि कोई इंसान गरीब है तो गरीबी कोई कलंक है क्या उसके ऊपर, गरीब तो गरीब है, अमीर अमीर है, ठीक है, लेकिन अमीर को कभी भी गरीब के वो गरीब बनाए रखने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें नफरत पैदा करती हैं और एक डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड, एक विनाशकारी दुनिया का निर्माण इससे होता है। ये इस चैप्टर, इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की गई है, समझना मेरी बात को ध्यान से। सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग, अब जबकि आप युवा हैं, छोटे हैं, आप अभी लर्निंग फेज में, तो आप समझेंगे तो समझना पड़ेगा। सो वाइल यू आर यंग, जब आपकी आप युवा हैं, ठीक है, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन सब चीज़ों को जानना पड़ेगा, यदि आप युवा हैं तो आपको ये चीज़ें जाननी ही पड़ेंगी। यू हैव टू बी सोन, तुम्हें दिखाई जानी पड़ेगी, यू हैव टू बी सोन ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू बी सोन, देखना जरा पैसिव वॉइस है, यू हैव टू बी सोन, तुम्हें इन सब चीज़ों को दिखाया जाएगा, यू हैव टू बी सोन ऑल दीज थिंग, सभी चीज़ों को तुम्हें दिखाई जानी है, मतलब ये सभी चीज़ें तुमको दिखाई जानी है, पैसे वे कोई तुम्हें बताएगा इन सब चीज़ों को, तो आपको देखना है, समझना है इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें दिखाई जानी है अभी आपको। ऑल दीज थिंग यू हैव टू बी एक्सपोज्ड, तुम्हें प्रकट करना पड़ेगा टू ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बी एक्सपोज्ड टू ऑल दीज थिंग, तुम्हारे सामने इन सब चीज़ों को अभी प्रकट करना पड़ेगा। सो दैट, क्यों करना पड़ेगा प्रकट आपके सामने इन सब चीज़ों को, क्योंकि आप यंग हैं, छोटे हैं, अभी आप नहीं समझ रहे, तो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको दिखवाना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, आपके सामने प्रकट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को,
सो दैट ताकि यूर योर माइंड बिगिन टू थिंक, योर माइंड बिगिंस टू थिंक, ताकि आपका दिमाग आपका मन सोचना शुरू कर दे। जब ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी आपको तो आप सोचना शुरू नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, जिससे कि आपका मन बिगिंस टू थिंक, सोचना शुरू कर दे। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वरना आप भी जो और दुनिया है बची, जो दुनिया और है, अदरवाइज वरना यू विल बिकम लाइक द रेस्ट, तुम भी उन जैसे लोगों के साथ हो जाओ, वैसे लोगों की तरह हो जाओगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसी और दूसरा संसार है, जो और संसार है उस संसार की तरह आप भी होते चले जाओगे। एंड क्या होगा, एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरसिटी, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस। आप देखिए ज़रा, यदि ऐसा हो गया तो आपके अंदर क्या ख़त्म होगा सबसे पहले, एंड विदाउट लव, तो प्यार ख़त्म हो गया, विदाउट अफेक्शन लगाव ख़त्म हो गया, विदाउट चैरिटी दानशीलता ख़त्म हो गई, एंड जेनरसिटी और उदारता यदि आपके अंदर से ख़त्म हो गई, लाइफ बिकम अ टेरिबल बिजनेस, तो आपका जीवन एक अप्रिय घटना बनकर रह जाएगा, आपका जीवन नरक की तरह निकलेगा। और एक अप्रिय घटना मतलब, एक तो होती है यादगार मेमोरेबल मोमेंट्स जो आप हमेशा याद रखें, ये ऐसे मोमेंट्स हो जाएंगे जिनको आप जिंदगी भर कभी याद रखना ही नहीं चाहोगे। एक ऐसी घटना बनकर रह जाएगी जो अप्रिय घटनाओं में से एक होगी, या मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटित हुई जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिय घटना थी। सो बी केयरफुल, आप पढ़ रहे हैं तो समझें ज़रूर चीज़ों को, और समझें तो प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जीवन में उनको उतारते हुए इन सब चीज़ों को अपनाकर अपनी लाइफ को, पूरी दुनिया को, समाज को अच्छा बनाएं, ना कि उसको डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड या डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी बनाएं। ठीक है, तो देखें ज़रा, टेरिबल बिजनेस हो जाएगी लाइफ, अप्रिय घटना बनकर रह जाएगी। टेरिबल बिजनेस का मतलब अप्रिय घटना। दैट इज वाई वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, दैट्स वाई, यही इसी वजह से, दैट्स वाई, यही कारण है, यही इसी वजह से कि वन हैज़ टू लुक इनटू, कि हर इंसान को समझना पड़ेगा। यहाँ जो वन आया है, ओ एनी वन, वन का है सबके लिए, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। वन शुड लव वंस कंट्री, इसका मतलब होता है हर किसी को अपनी देश से प्यार करना चाहिए। वन शुड लव वंस कंट्री, वंस में क्या होता है, क्या लिखा जाता है वंस में, देखिए, वन शुड लव तो यहां पर आप हमेशा ध्यान रखना इसको, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, सबको लेकर चलते हैं इसमें क्या आ गया, वन शुड लव वंस कंट्री, इसका मतलब है हर किसी को, हर इंसान को, यानी सब आगे इसके अंदर, सब आगे टोटल, कि हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए, वंस अपने से, ये रहा। जैसे हम लिखते हैं ना, ही हिज हिमसेल्फ, आता नहीं आता, स्वयं के लिए आता है, तो वन का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वंस हो जाता है, एंड रिफ्लेक्सिव में जाओगे तो वंस हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, इसीलिए इसमें आया है। देखें ज़रा ध्यान से, तो देखें, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो दैट इज वाई वन हैज टू लुक इन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, तो इसी वजह से, यही कारण है कि हर किसी को समझना पड़ेगा ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, हिंसा की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हर किसी को समझना पड़ेगा। क्लियर, नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस, यदि आप हिंसा को नहीं समझते हो, यदि आप हिंसा को नहीं समझते हो, आपके अंदर ईश्वर ने ब्रेन दिया है, आपको समझने की शक्ति दी है, यदि आप हिंसा को नहीं समझते हो, इज टू बी रियली इग्नोरेंट, तो आप अज्ञानी हो, आपके अंदर अज्ञानता झलक रही है, इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, आपके अंदर नाम मात्र का ज्ञान नहीं है, आपके अंदर नाम मात्र का ज्ञान नहीं है, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ना तो आपके अंदर इंटेलिजेंस है, यानी ना तो आपके अंदर कोई ज्ञान है, नॉलेज है, और इग्नोरेंट और निहायत ही आप अज्ञानी इंसान हैं, एंड विदाउट कल्चर, और ना ही आप कैसे हैं, असांस्कृतिक है, ना ही आपके अंदर कोई संस्कृति मौजूद है, ठीक है, ना ही आपके अंदर कोई संस्कृति मौजूद है, आप सांस्कृतिक भी नहीं है। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मल, जीवन कुछ विशाल होता है, लाइफ इज समथिंग इनॉर्मल, जीवन विशाल है, बड़ा है, एंड मेयरली टू कार्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ, ये फ्रेज है, अंडरलाइन कर लें, कार्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ, इसको आप नोट करें, अंडरलाइन कर लें, एंड मेयरली टू कार्व आउट अ लिटिल होल टू वन सेल्फ, कठिन प्रयास से प्रतिष्ठा कमा लें हम, मेयरली माने मात्र, कार्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ,
यदि हम मेहनत करके कठिन प्रयास करके हम प्रतिष्ठा कमा लें एंड रिमेन इन द लिटिल होल और उसी प्रतिष्ठा में हम बने रहें, उसी प्रतिष्ठा में हम खोए रहें, ठीक है, फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, हर किसी से लड़ते झगड़ते रहें, इज नॉट टू लिव, वास्तव में वो बिल्कुल जीवन है ही नहीं। यदि आप कठिन प्रयास करके आप प्रतिष्ठा सम्मान पा भी लेते हैं, ठीक है, और आप उस प्रतिष्ठा में बनी भी रहें और बनने के साथ साथ आप फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, यदि आप लगातार झगड़ा हर किसी से लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, इज नॉट टू लिव, वास्तव में वो जीवन नहीं है, वो वास्तव में जीवन नहीं है। वर्ड मीनिंग में बोलता चल रहा हूँ, आप अंडरलाइन करके नोट कर लेना, कार्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ, ये फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कठिन मेहनत करके प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, ठीक है, और एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, और यदि आप उसी प्रतिष्ठा में बने रहें, फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, और प्रतिष्ठा के घमंड में जो उसमें आप हर किसी से झगड़ते रहें, इज नॉट टू लिव, वास्तव में वो जीवन है ही नहीं, वो अपने आप में जीना नहीं है। इट इज़ अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है, फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, फ्रॉम नाउ, ये आप पर निर्भर करता है कि फ्रॉम नाउ आज के बाद, नाउ ऑन आज के बाद यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानना ही पड़ेगा, हैव टू बार बार आ रहा है, तो आज के बाद ये आप पर निर्भर करता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानना ही पड़ेगा, इन सब चीज़ों को समझते हुए ही आपको अपना वर्क करना है, अपना काम करना है, अपने कर्म करने हैं जिससे कि किसी को आपकी वजह से तकलीफ ना पहुंचे। ऑल दीज थिंग यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो टू द वे ऑफ वायलेंस, यू हैव टू चूज डेलिबरेटली, आपको जानबूझकर चुनना पड़ेगा टू गो द वे ऑफ वायलेंस टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, आपको रास्ता चुनना पड़ेगा, जानबूझकर रास्ता चुनना पड़ेगा टू गो द वे, कि आप उस रास्ते पर जाएं, किस रास्ते पर, कि यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, आपको रास्ते दिए गए हैं। नाइन्थ क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा आपने, एक पोइम पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन आपने पढ़ा होगा, तो आप समझें मेरी बात को। लाइफ में हर मुकाम पर दो रास्ते आ जाते हैं, एक रास्ता इधर है, एक ये, एक अच्छा है एक बेकार है, अब आपको डिसाइड करना है किस तरीके से हमें किस रास्ते पर पहुंचाना है। तो ये भी यहाँ पर कह रहा है कि आपके सामने दो चीज़ें हैं, यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस, या तो आप जानबूझकर हिंसा के रास्ते पर जाएंगे, आपको चुनना है कि या तो आप हिंसा के मार्ग को जानबूझकर चुन लें और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या फिर आप इसके मतलब विरोध में आ जाएं और समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो इसका मतलब क्या है, टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, यानी कि विरोध करें आप, एक तो ये कि आप जानबूझकर उसको अपना लें, जानबूझकर उसको चुन लें, किसको, हिंसा के मार्ग को, या फिर एक ये कि आप इसके विरोध में खड़े हो जाएं और समाज के साथ में रहते हुए हिंसा का विरोध जरूर करें। तो आपके ये आप पर निर्भर करेगा कि आप कौन से रास्ते को चुनते हो, हिंसा के रास्ते को या समाज को अच्छा बनाने के लिए समाज के साथ रहकर इसका विरोध करने वाले रास्ते को। बी फ्री, स्वतंत्र रहें, लिव हैप्पीली, खुशी से जीवन जिए, जॉयसली, आनंद से जीवन जिए, विदाउट एनी एंटागोनिज्म, कोई विरोधाभास ना रखें, विदाउट एनी हेट, ना नफरत रखें अपने मन में, ये फाइनल है, इसको अंडरलाइन करना, यही जीवन में आपको अपनानी है सब चीज़ें। कैसे अपनानी है, स्वतंत्र रहें, फ्री रहें, ठीक है, लिव हैप्पीली, खुशी से जीवन जिए अपना, ठीक है, जॉयसली, जॉय माने खुशी, यही लिव हैप्पीली, प्रसन्नतापूर्वक, खुशी पूर्वक, विदाउट एनी एंटागोनिज्म, मन में किसी के प्रति भी आप विरोध की भावना ना रखें, ठीक है। हर आदमी आपका दोस्त नहीं है तो हर आदमी आपका दुश्मन भी नहीं है। हम लोग कह लेते हैं वो ये है, वो बेकार है, वो खराब है, ठीक है, दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं आपको, हर मोड़ पर, हर सड़क पर, हर रास्ते पर आपको कई लोग मिलते हैं, लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं वो निकलने वाले लोग यदि आपके दोस्त नहीं हैं तो आपके मन में आप कभी नहीं बसाना कि ये मेरे दुश्मन है। कोई आदमी आपका दोस्त नहीं है तो वो आपका दुश्मन भी नहीं है, ये आप अपने मन में हमेशा बसाना और लाइफ में हमेशा इस बात को याद रखना, ज़बरदस्ती अपने मन में किसी के प्रति नेगेटिविटी ना पालें, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच के साथ काम करें। देखें ज़रा, विदाउट एनी हेट देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, यदि आप ऐसा करेंगे तो जीवन आपका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, हटके हो जाएगा, सब अच्छे लगने लग जाएंगे आपको, हर कोई सब अच्छे लगेंगे, चाहे कितना भी ख़राब क्यों ना हो इंसान, वो भी आपको अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि बुरे से बुरे इंसान के अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं, ऐसा नहीं हर इंसान बहुत बुरा हो और जन्मजात कोई इंसान बुरा नहीं होता, जन्मजात कोई इंसान कोई अपराधी नहीं होता,
परिस्थितियां कैसी रही उसके साथ ये जानने की कोशिश करें, ना कि उससे नफरत करना शुरू कर दें। बी केयरफुल, ठीक है, तो जीवन आपका अलग हो जाएगा, हटके हो जाएगा। देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग, उसके बाद आपको लगेगा मेरा जीवन थोड़ा सा कैसा हो गया, अर्थ मतलब मेरा मीनिंग लाइफ हैज़ अ मीनिंग, तो जीवन का अर्थ समझ में आएगा आपको, फिर जीवन का लगेगा जीवन का अर्थ क्या होता है, वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगी। इट्स फुल ऑफ जॉय, जीवन आपका पूरी तरह खुशियों से भर जाएगा, एंड क्लैरिटी और स्पष्टता से भर जाएगा, आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रहेगी, जो भी रहेगा दूसरों के प्रति सम्मान रहेगा, और आपका जीवन पूरी तरीके से स्पष्टता से भर जाएगा, सबके प्रति आपके मन में स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी आएगी, अच्छी भावनाएँ आएंगी, और आप एक अच्छे समाज का निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं। फाइनल पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ। When you woke up this morning, आज जब आप जागे, When you woke up this morning, आज सुबह जब आप जागे, Did you look, क्या तुमने देखा, जब आप आज सुबह जागे, यानी वो हमें पास्ट में लेके चल रहा है, ध्यान रखना राइटर हमें पास्ट में लेके चल रहा है, क्योंकि वो बता रहा है, तो हम किस में चले गए, पास्ट में उसके लिए, कि When you woke up this morning, आज सुबह जब आप जागे तो आपने क्या देखा, Did you look out of the window, तो आपने क्या खिड़की के बाहर जाकर देखा, यानी कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए, क्या आपने खिड़की से बाहर जाकर देखा था, जब आप जागे तो आपने बाहर जाकर देखा था, यू वुड हैव सीन, आपने देखा होगा, वुड हैव सीन, वुड हैव प्लस MB3, आपने देखा होगा क्या, दोज हिल्स, उन पहाड़ों को देखा होगा, बिकम सैफ्रॉन, जो जिनका रंग केसरिया हो गया। आप यदि वास्तव में आप आनंद लेना चाहते हैं तो प्रकृति के टच में आएं, आप यदि जागे तो विंडो से बाहर देखें, नेचर को देखें, जिससे आपका मन खुश हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। तो क्या आपने देखा, आपने देखा होगा, यू वुड हैव सीन, आपने देखा होगा, दोज हिल्स, उन पहाड़ों को देखा होगा, बिकम सैफ्रॉन, जो केसरिया हो गए, एज द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, जब सूरज कहाँ पर निकला, उनके किस तरफ से, अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, जब जो सूरज था वो बहुत प्यारे से नीले आसमान में, जैसे जैसे सूरज ऊपर उठा, जैसे जैसे सूरज निकला, तो सभी पहाड़ों का रंग कैसा हो गया होगा, केसरिया हो गया होगा, ये आपने विंडो से बाहर जाकर देखा होगा, तो आपने ये सीन जरूर देखा होगा। एंड एज द वर्ड्स बिगिन टू सिंग, और जैसे ही पंछियों ने गाना शुरू किया होगा, एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड, और जैसे ही सुबह सुबह जल्दी कोयल ने कूकना शुरू किया होगा, देयर वाज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, तो उस समय आपने महसूस किया होगा कि वहां पर एक पूर्ण शांति का एहसास आपने किया होगा, क्या हो गया होगा, देयर वॉज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, तो आपने अपने चारों तरफ हर जगह एक गहरी शांति का एहसास किया होगा, अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, एक अच्छी सुंदरता का अनुभव किया होगा, एंड लोनलीनेस, और एकांत का अनुभव किया होगा। देखिए लोनली और एलोन दोनों का मतलब अकेला होता है, और आपने इसमें एकांत, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, और आपने एकांत का एहसास किया होगा, ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, बहुत शानदार अच्छी, तो आपने सुंदरता को महसूस किया होगा, एंड लोनलीनेस, और एकांत को महसूस किया होगा। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, यदि कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों से जागरूक, इन सब चीज़ों से परिचित नहीं है, इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं है, वन माइट जस्ट एज वेल, लाइन अंडरलाइन करें, ऐसा व्यक्ति, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, ऐसा व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान है, जिंदा रहते हुए भी मरा है ऐसा इंसान। यदि इंसान इन सब चीज़ों को महसूस नहीं कर रहा है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो ऐसा व्यक्ति तो मृत व्यक्ति के समान ही हो सकता है, वो जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ इंसान है, यदि वो इस तरीके की चीज़ों से परिचित नहीं है, अवेयर नहीं है तो। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन बहुत कम लोग, अ वेरी फ्यू का मतलब बहुत कम, वेरी और लगा दिया तो बहुत कम, ना के बराबर लोग आर अवेयर, इन सब चीज़ों से परिचित हैं, बहुत कम लोग इन सब चीज़ों से परिचित हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, आप भी इससे परिचित हो सकते हैं, ओनली वैन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, जब अपने मन और दिल को आप पूरी तरीके से खुला रखेंगे, जब आपकी मन, आपकी सोच बदल जाएगी, पॉजिटिव सोच के इंसान हो जाएंगे, तो आप हो सकते हैं अच्छे, आप हो सकते हैं, लिखा है उसने कि यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली वैन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, आप इन सब चीज़ों से परिचित हो सकते हैं, आप भी जागरूक हो सकते हैं इन सब चीज़ों के प्रति, क्योंकि बहुत कम लोग जागरूक हो पाते हैं, आप जागरूक हो सकते हैं, यदि आप अपने मन, दिल और दिमाग को पूरी तरीके से खुला रखें, पूरी सोच आप अपनी अच्छी रखें, दिल के अंदर आप इमोशंस और फीलिंग्स जनरेट करें, प्यार जनरेट करें, तो आप
आप जागरूक हो सकते हैं। When you are not frightened, जब आपके अंदर से डर खत्म हो जाए, When you are no longer violent, जब आप हिंसक नहीं रहें, तो फिर आप इन सब चीज़ों का आप आनंद ले सकते हैं, आप इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। तो आपको एक तो डर निकालना पड़ेगा अपने अंदर से, दूसरा आपके अंदर से नफरत आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। डरता कौन है? जो गलत सोचता है उसको डर रहता है, जो अच्छा काम करता है, अच्छा सोचता है, उसे कभी भी डर नहीं रहता, वो कभी भी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि यदि मैं सही हूँ तो ईश्वर मेरे हमेशा साथ है। वो ट्रस्ट करके चलता है ईश्वर पे, तो उसका डर खत्म होता है और हिंसा उसके अंदर से ऑटोमेटिकली वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब वो जुड़ेगा किसी पावर से, किसी ईश्वरीय पावर से वो जुड़ेगा, तो उसके अंदर वैसे ही हिंसा वगैरह सब खत्म हो जाएगी। देन देयर इज जॉय, तब आपको वास्तविक खुशी मिलेगी, वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेस, तब जाकर आपको वहाँ पर एक परम आनंद की, असाधारण परम आनंद की आपको अनुभूति होगी। ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये है फाइनल लाइन। ये चैप्टर क्यों पढ़ा आपने, कि जब असाधारण परमानंद की, परम आनंद, ब्लिस का मतलब परम आनंद, आनंद से भी ऊपर आनंद, जब आपको परम आनंद की अनुभूति होगी असाधारण, तब आप मानिए कि आप वास्तव में ही वॉयलेंट नहीं हैं, आपके अंदर डर नहीं है, आपके अंदर एंटागोनिज्म नहीं है, हेट नहीं है, क्रुएल्टी नहीं है, सब खत्म हो गया आपके अंदर से, तब आप अच्छे जीवन का आनंद ले सकते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण करने में आप मदद कर सकते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। विच वेरी फ्यू पीपल नो एंड इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन फाइनल, ये शिक्षा का हिस्सा है। आप शिक्षित क्यों हो रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग, इसी वजह से पढ़ रहे हैं। पढ़े लिखे भी यदि आप ऐसी हरकत करें तो फिर आपका पढ़ना बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना। उसने कह दिया ना, यदि आदमी के अंदर प्यार नहीं है तो वो चाहे पैसा हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो जानवर से भी गया बीता इंसान है यदि वो इस तरीके की हरकत करता है तो, ठीक है। तो एंड इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का हिस्सा है, टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, कि वो इस तरीके की अवस्था को लेकर आए इन द ह्यूमन माइंड, किसके, इंसान के दिमाग में। इंसान के दिमाग में इस तरीके की जब अवस्था आएगी तो क्या होगा, वो उसी इंसान के अंदर आ सकती है जो इंसान कैसा है, जो इंसान पढ़ा लिखा है। यानी शिक्षा का मतलब केवल मार्क्स लाना नहीं है, शिक्षा का मतलब है अपने जीवन में बदलाव लाना, आपके अंदर के जैसे जैसे आप पढ़ें सॉफ्ट होते चले जाएं, मन और आपका दिल एकदम बिल्कुल कैसा होना चाहिए, फुल ऑफ इमोशंस फीलिंग्स, ठीक है। नफरत नहीं होनी चाहिए, गलती से भी यदि आपके अंदर हल्की सी भी ईर्ष्या नफरत आ गई, आपका पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ठीक है ना। वही वाली बात कि जब आदमी सामने वाले को जब देखता है समाज में, यदि आप जब कोई मर जाता है इंसान, उसको जब ले जाते हैं शमशान में, तो आदमी के अंदर से वहाँ पर्टिकुलर टाइम पर ही एक चीज़ एक टाइम तक ही उसके मन में ये रहता है कि यार जीवन क्या है, क्या लेके जाएगा इंसान, सब कुछ यही छोड़ के जाना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वहाँ से वो निकल के बाहर आता है, समाज की जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है समाज की, उसी में वो इंसान शामिल हो जाता है, फिर दोबारा से वही एक्ट करना शुरू कर देता है जो वास्तव में उसकी लाइफ को स्पॉइल करने वाले होते हैं, ख़राब करने वाले होते हैं। आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है, मुझे पढ़ाने के बाद मुझे इंटरनली ये लगता है कि यदि मेरे इस तरीके से एक्सप्लेन करने से एक बच्चे के मन में भी यदि ये आ गई कि मुझे जीवन इस तरीके से जीना है, तो मेरा पढ़ाना उस जगह सार्थक हो जाता है। इसलिए अच्छी तरीके से समझ के चलें, पढ़ें। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन के मायने क्या होते हैं, कौन बंदा वास्तव में एजुकेटेड है, कौन बंदा वास्तव में इंसान है, ये सब आपको इसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो आपके दिमाग में, मन में सब चीज़ें आपके ये चीज़ें फीड हो जानी चाहिए कि वास्तव में ये चैप्टर मैंने पढ़ा तो मुझे क्या इसके अंदर से निष्कर्ष निकल के मेरे सामने आया, उसको एडॉप्ट करें, अपनाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, समाज को अच्छा बनाएं और इस पूरी दुनिया में आप कॉन्ट्रीब्यूट करें कि एक अच्छी दुनिया बने, हिंसा खत्म हो, वायलेंस, जो वायलेंस है आपकी वो ख़त्म होनी चाहिए। यदि वास्तव में आप अच्छी तरीके से इसके बारे में समझ गए हैं तो मुझे उम्मीद है पढ़ने के बाद आप अपने एटीट्यूड में ज़रूर चेंज लाएंगे, अपने व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे और एक अच्छा समाज और एक अच्छी दुनिया को बनाने में मदद करेंगे। इसी के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ अपने चैप्टर को। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू।